Welcome to all of you in this next lecture on economic survey, right? So we have already given you a brief introduction about the economic survey in our last video. और जो ये वीडियो है, this will be a highly in-depth video जहाँ पे हम लोग हर एक एस्पेक्ट से इकोनॉमिक सर्वे के बारे में डिस्कशन करेंगे. Not only from prelims, but also from the mains perspective, जो भी relevant information है इकोनॉमिक सर्वे से, all those informations will be taught to you in very basic manner, and also the short notes of the entire survey will be provided to you in the PDF form. So, अगर आप सर्वे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं because of scarcity of time or because of any other reason, then you can simply rely on this lecture, and then after that, आप उस जाके PDF को पढ़ सकते हैं. Your entire survey will be covered because we have taken out all those relevant points जो आपके exam के लिए relevant है. Although economic survey is the best book which someone should refer to in their exam preparations, but कुछ information उसमें it is not relevant for our syllabus part, for our exam part. तो इसीलिए उसमें से only some informations we have left out which are not relevant as of now. और जो भी exam point of perspective से आपको चाहिए उसमें कोई भी compromise नहीं है. All those things are put over here. और जो भी PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट विल बी द बेस्ट PDF दैट इज हैज बीन रिटन इन द बेस्ट कंसाइज मैनर. उसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगा इन द डिटेल्ड मैनर. ठीक है, सो हम लोग चैप्टर वाइज इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को करेंगे. यू नो दैट देयर आर 12 चैप्टर्स इन आवर इकोनॉमिक सर्वे. सो एवरी वीडियो विल इंक्लूड वन चैप्टर, एंड देन देयर विल बी 12 लेक्चर्स विल बी टेकन बाय मी. और हर एक चैप्टर को हम लोग हर एक एस्पेक्ट से उसको कवर करेंगे, एंड फाइनली विल ट्राई टू इंक्लूड और समराइज ऑल द 12 चैप्टर्स सो दैट आपको उस पूरे सर्वे का एसेंस समझ में आए. ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 व्हिच बेसिकली गिव्स यू अ बेसिक समरी अबाउट द वर्ल्ड इकॉनमी एंड देन अबाउट द इंडियन इकॉनमी. आपको पता है अभी इतने सालों से द होल इकॉनमी हैज गॉन थ्रू डॉल्ड्रम्स, एक पे एक प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं. इसी कॉन्टेक्स्ट में सर्वे का चैप्टर 1 बेसिकली गिव्स यू द डिटेल कि क्या स्टेटस है अभी वर्ल्ड इकॉनमी का, इंडियन इकॉनमी का क्या स्टेटस है, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड इकॉनमी, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर द इंडियन इकॉनमी. सो बेसिकली द चैप्टर 1 इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टेट ऑफ इकॉनमी एट द ग्लोबल एंड एट द डोमेस्टिक लेवल. सो सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक ओवरव्यू कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है. ठीक है, इसको समझने के पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हो क्या रहा है इस पूरे इकोनॉमी में. बिकॉज अगर आप 2020 से देखोगे व्हेन द पैंडेमिक हिट द वर्ल्ड, उसके बाद से एक पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, एंड द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट टू एंड, द प्रॉब्लम्स आर कमिंग एंड कमिंग, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सर्वे बेसिकली ये कहता है कि दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इसके पहले भी बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए थे जो वर्ल्ड ने फेस किया. फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा 1990s में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था. बट ये जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इन सब के बीच में एक टाइम का गैप था. फॉर एग्जांपल, 1991 में इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस आया, 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2008 में इट केम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. बट बिटवीन ऑल दिस क्राइसिस देयर वाज अ टाइम लैग. सो जब टाइम लैग होता है तो इकोनॉमी के पास एक एनफ टाइम होता है टू रिकवर फ्रॉम दैट, राइट? बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम that all the crises are coming without any time gap. So, आप देखें, 2020 में the world was hit by pandemic. ठीक है, 2020 में the world was hit by a black swan event, इसी को कहते हैं. Black swan event का मतलब the event which happens very rarely, and when it happens, it destroys everything. So, the pandemic struck the world in the year 2020 and it was considered as a black swan event. आपको पता होगा पूरे दुनिया में lockdown लग चुका था. Every economy was come to a shutdown and there was no growth. Or in fact, India की economy और पूरे global level की economy, rather than to expand, वो पूरी economy
कॉन्ट्रैक्ट की है. सो 2020 में पहला चैलेंज आया पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को दैट द पैंडेमिक हिट द एंटायर वर्ल्ड. देन केम इन 2022 द कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप. Conflict in Europe. So 2020 mein, when the pandemic came, economy contracted, growth ruk chuka tha. Now the economy was about to recover. So see, this is the increasing rate of the economy. The economy is about to recover. Jo loss hua tha, we were trying to recover. Jo income loss hua tha, we were trying to recover. Jo unemployment hua tha, now again the people are getting employed. So all these things were happening. And in the midst of that, the next big crisis came was the Russia-Ukraine war. So Russia-Ukraine war aaya aur jo economy increase kar hi raha tha, the baby was about to walk, again the baby was hit. Theek hai, so the world economy started to come to a stagnation or some economy started to decline. और 2020 कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप जब हुआ तो आपको पता है इसके इंपैक्ट क्या हुआ. इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट था इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, बेसिक चीजों का दाम बढ़ना. फॉर एग्जांपल इस पेन का दाम बढ़ना, इस वाइट डिजिटल बोर्ड का दाम बढ़ना, दिस इज इन्फ्लेशन. तो जब ये वॉर हुआ तो आपको पता होगा कि जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस है, जो नेचुरल गैस की दाम है, जो पेट्रोल का दाम है, ऑल दोस प्राइसेस शॉट अप. साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स का क्राइसिस, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी. आपको पता है वीट प्रोडक्शन, वीट क्राइसिस हो गया था. बहुत सारे कंट्रीज वर डिपेंडेंट ऑन द वीट व्हिच वर इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, राइट. सो ऑल दोस थिंग्स केम टू अ हॉल्ट. तो उसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया. ग्लोबल इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ. आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. हम लोग फिर एक एक करके सबको एस्पेक्ट समझेंगे, ठीक है, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ा and what were the factors and other things. But abhi yahan pe ek main brief introduction de raha hu kis tarike se world economy mein ek pe ek crisis aaya aur jiska cumulative impact abhi dekhne ko bahut bada mila hai, theek hai. So 2020 mein pandemic aaya, economy thap ho gayi, then the economy was about to recover ki 2022 mein aapka conflict in Europe ho gaya, theek hai. Conflict in Europe ki wajah se global inflation rise ho gaya. Ab global inflation ko rokne ke liye pure duniya mein sare country मिलके अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करना स्टार्ट किए, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है. इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब लोग डिमांड करते हैं. फॉर एग्जांपल ये पेन का प्रोडक्शन पहले 100 था तो उसको कुछ लोग डिमांड कर रहे थे, आज प्रोडक्शन हो गया केवल 50. तो जो सप्लाई है वो कम है और जो डिमांड है वो ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ दिस पेन विल गो अप. तो आप किस तरीके से इन्फ्लेशन को रोकोगे, आप लोगों के पास पैसा ही मत रखो. अगर लोगों के पास पैसा आप कम कर दोगे, आप इकोनॉमी में पैसा कम कर दोगे, तो पीपल विल नॉट बी एबल टू डिमांड. इफ आई वाज अर्निंग 10,000 और एंड नाउ आई एम अर्निंग 500, देन आई विल बी कंज्यूमिंग लेस, आई विल बी डिमांडिंग लेस, तो इन्फ्लेशन कम होगा. इसीलिए पूरे दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को हाइक करना स्टार्ट किया और इसकी वजह से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन वॉज इंक्रीजिंग, इसको टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट किया और इसकी वजह से द ग्रोथ स्टार्टेड टू स्टैग्नेट. द ग्रोथ स्टार्टेड टू स्टैग्नेट, ठीक है. तो जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इकोनॉमी का, जब लोगों के लिए पैसा लेना मुश्किल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप समझो आप जा रहे हो घर खरीदते and you have to take a loan of 50 lakhs, आपके ऊपर पहले interest rate लग रहा था 5%, तो आपको लगा ठीक है, I will be giving 5% of interest rate, so that is affordable to me, but now the central bank has raised the interest rate to suppose 10%, so आपका interest जो आपको देना पड़ेगा, now it has got doubled, so in that case, you might cancel your plan to buy a house, right, तो इससे क्या होगा, अगर house की demand कम हो जाएगी, तो नए houses कम बनेंगे, अगर नए हाउसेस कम बनेंगे तो ग्रोथ कम होगा, ठीक है. सो यही होता है जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है. तो जब इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया जाता है, पैसा लेना आसान हो जाता है, पैसा लेना सस्ता हो जाता है, तो लोग पैसा ज्यादा लेते हैं और अगर लोग ज्यादा पैसा लेंगे तो आप नए गाड़ी खरीदोगे, आप उस सस्ते ईएमआई पे नया मैकबुक लोगे,
आप हाउस खरीदोगे, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट इफ यू आर गेटिंग चीप मनी. सो वेन एवर देर इज अ डिक्लाइन इन द ग्रोथ द गवर्नमेंट पंप्स मनी, एंड वेन देर वेन एवर देर इज अ राइज इन इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू टेक द मनी आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड देन द ग्रोथ सफर्स. ठीक है, सो ये तीन चीज आपको देखने को मिल रहा है. पैंडेमिक आया, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप आया, और उसके बाद से इन्फ्लेशन शॉर्ट अप हुआ. तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ग्लोबली हर एक बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया, उसकी वजह से आज ग्रोथ पे ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है. तो यही सर्वे कहता है कि दिस इज द कंटिन्यूअस प्रॉब्लम विच होल इकोनॉमी इज फेसिंग. वन प्रॉब्लम इज गोइंग टू सेटल डाउन, द अनदर प्रॉब्लम इज कमिंग अप, द सेकंड प्रॉब्लम सेटल्स डाउन, द थर्ड प्रॉब्लम कम्स अप, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतने सारे प्रॉब्लम्स एक साथ मिलके सारे इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पहुंचा रहे हैं. ठीक है, सो नाउ दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट द वर्ल्ड स्टेज. नाउ इसको एक एक करके समझते हैं, इन डेप्थ समझते हैं प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कि कैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ने से इनफैक्ट ग्रोथ स्टैग्नेट होगा, किस तरीके से पैंडेमिक का इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ा था, यूरोप का वॉर में की वजह से और क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिले. ठीक है, सो ऑल दोस थिंग्स वी विल बी अंडरस्टैंडिंग. सो सी फर्स्ट द इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है सर्वे, I have given a summary of that. तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही एसेंस कह रहा है सर्वे. ठीक है, तो आप बस इसको समझिए क्या कहता है इंट्रोडक्शन में. In past the global economic shocks did occur but not at the same time. Example, World War, Spanish Flu, Great Depression, 2008 Global Financial Crisis. तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए हैं बट इनके बीच में टाइम गैप था. होता है ना कि यू आर सफरिंग फ्रॉम वन डिजीज, यू रिकवर फ्रॉम दैट, एंड आफ्टर 10 इयर्स सपोज यू हैव गॉट अनदर डिजीज, देन यू हैव एनफ टाइम सो दैट आपकी बॉडी वापस से उस इम्यूनिटी को गेन कर सकता है. बट सपोज यू हैव बीन इन्फेक्टेड बाय 3-4 डिजीजेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कोलैप्स हो जाएगी बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट. और यही हुआ. अब यहां देखें, दीज इंसिडेंट्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक टर्बुलेंस वर स्पेस्ड आउट, मतलब दोनों के बीच में टाइम गैप था, allowing the economies the breathing time to recover before preparing for the next challenge, before preparing for the next challenge. But this is not the case this time. इस बार कोई time gap नहीं था, इसलिए कोई भी economy के पास recover करने का एक space नहीं मिला, और इसी की वजह से आज economy crisis काफी ज्यादा बड़ी हो गई है. Now, जो हमने chronology बात किया, pandemic, war और इंटरेस्ट रेट का हाइक करना, तो वही सर्वे भी डिस्कस करता है उसी मैनर में. व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट, किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए हैं. तो सबसे पहला डेवलपमेंट क्या हुआ पूरे वर्ल्ड के सामने, दैट वाज पैंडेमिक. तो पैंडेमिक हिट इन द ईयर 2020, और पैंडेमिक की वजह से हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्लोबल आउटपुट. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्लोबल आउटपुट, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इकोनॉमी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है स्लोडाउन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय स्लोडाउन, फॉर एग्जांपल माय इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट 6%, राइट, बट नेक्स्ट ईयर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 4%, राइट, सो दिस इज नोन एज स्लोडाउन. माय इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट इट इज ग्रोइंग एट अ लोअर पेस. तो पहले 6% से ग्रो कर रहा था और अब 4% से ग्रो कर रहा है, बट स्टिल माई इकॉनमी इज ग्रोइंग. पहले 100 रुपए था, आज 110 रुपए की इकॉनमी हो गई हमारी. तो स्टिल इट इज ग्रोइंग बट द रेट ऑफ इंक्रीज इज डिक्लाइनिंग. सो दिस इज स्लो डाउन. स्लो डाउन इज अगेन नॉट अ गुड थिंग बट नॉट वेरी मच प्रॉब्लमेटिक. नाउ कम्स टू कॉन्ट्रैक्शन. तो पहले हमारा इकॉनमी ग्रो कर रहा था 6% से, but now our economy has contracted and now it is growing at -2%. मतलब पहले इकॉनमी 100 रुपए का था, आज वो घटके 80 रुपए हो गया है. सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. तो एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां पे एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारा जीडीपी इंक्रीज किया, बट जो इंक्रीज करने का रेट है वो डिक्लाइन किया. ठीक है, सो इकॉनमी 100 से 120 हुई, उसके बाद 130 हुई, तो पहले 20 से बढ़ा अब 10 से बढ़ा. सो दिस इज स्लो डाउन. बट कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, पहले इकॉनमी 100 रुपए था, अब इकॉनमी कितना घटके हो गया, 80 रुपए. तो एब्सोल्यूट वैल्यू में इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो दिस इज फर्स्ट डिफरेंस
जिससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है. व्हेनेवर यू हियर दीज टर्म्स यू शुड बी क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन. तो आपको पता है कि पैंडेमिक के समय हमारा इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट किया था. इसको आगे जाके देखेंगे कितना कॉन्ट्रैक्ट किया था. सो आवर इकोनॉमी एंड नॉट ओनली आवर इकोनॉमी रादर द ग्लोबल आउटपुट, मतलब ग्लोबली हर एक इकोनॉमी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी. ओके नाउ सो ये आपका हो गया पहला इवेंट. नाउ कम्स द सेकेंड इवेंट, दैट इज द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विच हैपेंड इन द ईयर 2022. नाउ अगेन अ बिग ब्लैक स्वैन इवेंट kind of thing happened or impacted the world economy. So the global economy was recovering, but it was on the track to recover, then this conflict broke out. Okay? It disrupted the restoration of supply chains, which was earlier disrupted by the lockdowns. So pehle lockdowns ki wajah se supply chain disrupt hua tha. What do you mean by supply chain? Supply chain ka matlab, for example, koi cheez China mein ban raha hai, उसके बाद वो जा रहा है सिंगापुर में, उसके बाद जा रहा है वो इंडिया में, और इंडिया से फाइनली उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन करके हम कहां भेज रहे हैं उसको, अमेरिका में. सो दिस इज द सप्लाई चेन ऑफ एनी प्रोडक्ट. तो हर एक प्रोडक्ट का ऐसी सप्लाई चेन होता है. यू नो दैट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन द सप्लाई चेन हैज बीन स्कैटर्ड अक्रॉस द ग्लोब. तो आपको पता है कि एप्पल का टेक्नोलॉजी वहां से आता है, उसको असेंबल किया जाता है चाइना में, उसके ऊपर कुछ और वैल्यू एडिशन किया जाता है थर्ड कंट्री में, एंड देन फाइनली इट इज सेंट टू अनदर कंट्री फॉर फाइनल कंजम्पशन. सो दिस इज नोन एज सप्लाई चेन. सो एवरी प्रोडक्ट हैड अ सप्लाई चेन. तो ये सप्लाई चेन्स कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया था पैंडेमिक के समय, और उसके बाद सप्लाई चेन्स रिकवर कर रहे थे व्हेन द इकॉनमी वॉज ओपनिंग अप. जब लॉकडाउन खत्म हो रहे थे एंड इकॉनमी वॉज ओपनिंग अप, और जैसे ही ये सब चीजें हो रही थी उसके बाद अगेन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कम, और वापस से वो सप्लाई चेन आपका डिसरप्ट होना स्टार्ट हो गया. सो इट कॉज द प्राइस ऑफ क्रिटिकल कमोडिटीज सच एज क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, वीट एक्सेट्रा टू राइज. तो जितने भी क्रिटिकल कमोडिटीज थे इन सारों का प्राइस आपका बढ़ गया. आपको पता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, वीट जनरली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय रशिया एंड यूक्रेन. रशिया का ज्यादा एनर्जी में होता है प्रोडक्शन, है ना, और वीट का आपको रशिया यूक्रेन दोनों प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो ये सब चीजें हो रही थी. नाउ अगला पॉइंट क्या कहता है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस स्ट्रेंथन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स दैट द ग्लोबल इकोनॉमी हैड ट्रिगर्ड बैक बाय मैसिव फिस्कल स्टिमुलाई एंड एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अंडरटेकन सिंस 2020. नाउ यहां पे समझते क्या हुआ. जब 2020 में पैंडेमिक आया था, जब पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक के समय हुआ क्या कि पूरी ग्लोबल इकॉनमी आपकी ठप पड़ी है. द ग्लोबल इकॉनमी हैज कम टू अ हॉल्ट. हर जगह लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, इकॉनमी में कुछ ग्रोथ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों का इनकम सैलरी हाइक नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इकॉनमी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा. ऐसे प्रॉब्लम्स के समय टू टैकल सच प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक्स, जो कि इंडिया में हो गई मान लो आरबीआई, ठीक है, टू टैकल सच प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक कलेक्टिवली come together to revive the state of economy, to revive the state of economy. ठीक है, so जब pandemic आया economy contract किया तो इससे आप बचेंगे कैसे, इसके बचने के लिए कौन दो लोग बचाएगा economy को, the government and the central bank, that is the RBI. These people are responsible for the economy. So these people comes into action. Puri duniya mein, not only about India, har ek country ke government aur central bank dono milke ek saath economy ko revive karte hain. Kaise karenge? To government kya karti hai? Government adopts a fiscal policy.
आपको पता है गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी होता है और सेंट्रल बैंक्स का एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स अ फिस्कल पॉलिसी। आप हमेशा सुनोगे कि फिस्कल डेफिसिट इतना हो गया, फिस्कल डेफिसिट इतना होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट को हमें कट करना है। सो दिस इज नोन एज अ फिस्कल पॉलिसी एंड हु अडॉप्ट्स अ फिस्कल पॉलिसी, इट इज द गवर्नमेंट। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, वो रेपो रेट डिसाइड करती है एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। तो इन्हीं दोनों पॉलिसी की वजह से आप अपने इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हो, आप अपने इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हो। सो पहले समझते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। लेट अस अंडरस्टैंड फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। तो फिस्कल पॉलिसी को सिंपल वे में समझो, आपको पता है सरकार खर्च करती है, सरकार नए नए स्कीम्स लाती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करवाती है, रोड रेलवेज हाईवेज बनाती है, एयरपोर्ट्स बनाती है, पोर्ट्स बनाती है, ठीक है। तो इसके लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है, ठीक है। कुछ सरकार के पास पैसा टैक्स के थ्रू आता है और कुछ सरकार लोन लेती है। तो फॉर एग्जाम्पल सरकार पहले 100 रुपए खर्च कर रही थी, ठीक है, पहले सरकार वॉज स्पेंडिंग 100 रुपीज, बट नाउ द इकोनॉमिक क्राइसिस हैज कम। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो प्राइवेट पर्सन विल नॉट इन्वेस्ट, ठीक है। जो इंडस्ट्री है, रिलायंस हो गई और बाकी टाटाज हो गई, ये लोग इन्वेस्ट करेगी नहीं, बिकॉज इकॉनमी अभी ठप पड़ा है, तो ये क्यों इन्वेस्ट करेंगे? अभी लोगों की डिमांड नहीं है, जब डिमांड होगा तभी ना ये इन्वेस्ट करके नए फैक्ट्रीज बनाएंगे, तो ये अपना पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म कर देंगे। तो यहां पे सरकार एक्शन में आती है और सरकार कहती है कि चलो ठीक है, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, हम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले अगर सरकार 100 रुपए खर्च कर रही थी तो नाउ द सरकार विल बी स्पेंडिंग 150 रुपीज। सो दिस इज नोन एज expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy. When the government expands the money which it spends. So, pehle government was spending 100 rupees, but now the economy has completely come to a halt. The private people are not investing. People like you and me are not demanding anything. So, who takes the responsibility? The government says that, okay, fine. If I was creating one highway, now I will create 2 highways. I will create 3 highways. So I will be spending more money. तो उससे क्या होगा? आपकी economy grow करेगी by the support of government. So any time during the crisis, generally the government adopts expansionary fiscal policy. और इसी का उल्टा होता है आपके पास contractionary fiscal policy. तो contractionary fiscal policy में जब सरकार को लगता है कि already the private people are investing, लोग प्राइवेट पीपल रिलायंस अंबानी ये सब लोग इन्वेस्ट कर ही रहे, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें फिर, ठीक है। सो उस केस में द गवर्नमेंट स्टार्ट्स टू स्पेंड लेस मनी देन व्हाट इट वाज स्पेंडिंग। सो इसको कहते हैं द गवर्नमेंट स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट द मनी व्हिच इट वाज पुटिंग इनटू द इकॉनमी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, बट इस पूरे पैंडेमिक के समय दिस पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। यही सेम चीज आरबीआई भी करती है, आरबीआई भी यही काम करती है, और आरबीआई के पॉलिसी को हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग आगे भी देखेंगे, बट यहां पे एक चीज समझो क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी नॉट पुलिस, मॉनेटरी पॉलिसी। सो आरबीआई जो है, इट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया which has the power to pump the liquidity into the economy, ठीक है। मतलब कितना इस पूरे इकॉनमी में अगर कोई पैसा प्रिंट करके डालेगा तो इट इज ओनली द आरबीआई। मतलब what kind of liquidity you need, that is डिसाइडेड बाई आरबीआई। इकॉनमी में कितना पैसा रहेगा टोटल, ये आपको आरबीआई डिसाइड करती है। बिकॉज आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का काम है, अगर हम लोग देखेंगे आरबीआई का काम है बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, बेसिकली इन्फ्लेशन को मेंटेन करना। तो इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए जो आरबीआई का एक स्पेशल बॉडी है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का बेसिकली यही काम है
कि उसको इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल करके रखना पड़ता है बिटवीन 2-6%। ठीक है, तो आरबीआई एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसमें से एक छोटा सा बॉडी है जिसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक ही काम है टू एंश्योर दैट इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो 2-6% रहे, लोअर लिमिट 2% और 6% अपर लिमिट। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने का काम इंडिया में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। बिकॉज इन्फ्लेशन, यू नो, इन्फ्लेशन एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होता है। इट इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर रिच पीपल, बट इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द पुअर पीपल। बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ अनियन इंक्रीजेस, देन एक पुअर आदमी उसको खरीद नहीं पाता है। सो दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन एक्ट्स लाइक अ टैक्स ऑन द पुअर। इन्फ्लेशन एक्ट्स लाइक अ टैक्स ऑन द पुअर। सो इन्फ्लेशन से रिच पीपल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर पीपल। इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है 2-6% के बीच में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और जब तक इन्फ्लेशन इसके अंदर है तब फोकस ऑन ग्रोथ। That is GDP. So, जब तक आपका इन्फ्लेशन 2-6% के बीच में है तब तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने सेकेंड प्रायोरिटी पे फोकस करती है, दैट इज GDP. अब समझो, देखो एक केस हम लेते हैं। पहला, इन्फ्लेशन इज एट 3%। मान लो इंडिया का इन्फ्लेशन 3% है, तब क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम फुलफिल हो रहा है? हो रहा है। उसको 2-6 के बीच में रखना है, इन्फ्लेशन आपका 3% है, वेल एंड गुड, इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो अब एमपीसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अपने सेकंड प्रायोरिटी एरिया पे फोकस करती है। क्या है सेकंड प्रायोरिटी एरिया? जीडीपी। सेकंड प्रायोरिटी एरिया, जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तब तक वो सेकंड प्रायोरिटी पे फोकस कर सकती है। तो क्योंकि इन्फ्लेशन अभी अपने उस टॉलरेंस बैंड के अंदर है, तो एमपीसी फोकसेस नाउ ऑन, नाउ द एमपीसी पुट्स फोकस ऑन, पुट्स फोकस ऑन इट्स सेकेंड प्रायोरिटी, इट्स सेकेंड प्रायोरिटी दैट इज ग्रोथ, जीडीपी। ठीक है, अब अपने सेकेंड प्रायोरिटी पे फोकस करेगी, दैट इज जीडीपी। तो अब जीडीपी को बढ़ाना है, क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है तो अच्छी बात है, हर कंट्री चाहता है अपना जीडीपी बढ़ाना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर भी ये फोकस, इसका वो प्रायोरिटी है कि वो ग्रोथ को बढ़ाए। तो क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में, तो वो ग्रोथ को बढ़ा सकता है, इट हैज नो प्रॉब्लम। तो ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाएगा? ग्रोथ कैसे बढ़ता है आपका? फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री। सपोज मुझे गाड़ी का एक फैक्ट्री खोलना है नया। यू नो दैट एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट वॉन्ट्स लोन, उसको बैंक से जाके लोन लेना पड़ेगा। अब अगर बैंक से जाके मुझे पहले लोन मिल रहा था 5% पे, और अब मुझे लोन मिल रहा है 2% पे, तो मेरे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अब 2% पे लोन मिल रहा है। सो इन दैट केस आई विल बी इंसेंटिवाइज्ड टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री इफ द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट इज लोअर। ठीक है, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फायदा हो गया, उसको पहले 5 पे मिल रहा था, अब 2 पे मिल रहा है, तो मैं नया फैक्ट्री बनाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स टेक द, लाइक लेट्स टेक योर एग्जांपल। आपको एक नया महंगा फोन खरीदना था, उस पे आपको ईएमआई देना था पहले 7% पे, अब लेकिन बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया ईएमआई के ऊपर, अब आपको केवल देना है 5%। तो आप बोलोगे चलो ठीक है यार, दैट इज अंडर माई पॉकेट, मैं खरीद सकता हूं उसको, राइट। सो व्हेनेवर द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी कम्स डाउन, व्हेनेवर द मनी बिकम्स चीप, whenever the loans become cheaper, then in that case the investment made by industrialists, the demand made by the consumers, that also increases, right? So isiliye jab RBI monetary policy committee ka inflation control mein rehta hai, to RBI monetary policy committee apne interest rate ko, jisko hum log technically repo rate kehte hain, रेपो रेट को डिक्रीज करती है। मतलब आरबीआई, रेपो रेट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आरबीआई बैंक्स को लोन देती है कम दामों में,
क्योंकि हमें लोन आरबीआई से तो मिलता नहीं है, हमें लोन बैंक से मिलता है। तो अगर बैंक के लिए लोन लेना आसान है, बैंक कहां से लोन लेगी? आरबीआई से। तो अगर बैंक को लोन सस्ता मिल रहा है तो बैंक आपको भी लोन सस्ता देगी। सो दिस इज व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डज। व्हेन इट्स इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, इट फोकसेस ऑन जीडीपी, एंड व्हेन इट हैज टू फोकस ऑन जीडीपी, इट हैज टू एंश्योर दैट मनी अवेलेबिलिटी फॉर द पब्लिक इंक्रीजेस, एंड फॉर दैट इट हैज टू लोअर इट्स रेपो रेट। That means the amount which it charges from the bank to lend the money, it reduces so that banks can lend more and more money to the public, to the industrialists, to the consumers like you and me. Okay, so this is how Monetary Policy Committee works. So Monetary Policy Committee ka sabse important priority pehle inflation hai. Jab inflation control mein hai, tabhi wo yahan jayegi. Okay, to pure pandemic ke samay aap imagine kare, hamara inflation iske andar hi tha. बिकॉज इन्फ्लेशन क्यों होगा? लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। अगर डिमांड करोगे तभी ना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो जनरली जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, जो सीपीआई, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, सीपीआई, दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। हम लोग टारगेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस। एक होता है कंज्यूमर प्राइस, एक होता है होलसेलर प्राइस इन्फ्लेशन। तो सीपीआई क्या होता है? जो हमें एग्जैक्टली कितना देना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू गो एंड बाय ये एक पेन खरीद रहे हो, तो हम तो एक पेन खरीदेंगे, लेकिन होलसेलर क्या खरीदता है? 100 पेन। ठीक है, सो डब्ल्यूपीआई इज अ डिफरेंट थिंग, वो होलसेल लेवल पे आपको प्राइस को मेजर करता है, और सीपीआई बेसिकली कंज्यूमर्स के लेवल पे प्राइस मेजर करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बेसिकली ये जो इन्फ्लेशन है वो कौन सा इन्फ्लेशन है? सो इट इज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कंबाइंड। सो इन्फ्लेशन क्योंकि उस समय कंट्रोल में था, तो आरबीआई ने अपना रेपो रेट को कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन किया। तो पूरे पैंडेमिक के समय, हम लोग आगे इसको और देखेंगे, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने अपने रेपो रेट को डिक्लाइन किया। इसी को हम लोग कहते हैं एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। इसी को हम लोग कहते हैं एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, जब आरबीआई अपने रेपो रेट को कम करके ज्यादा से ज्यादा पैसे की अवेलेबिलिटी इकोनॉमी में बढ़ाना स्टार्ट करती है। सो पैंडेमिक के समय यही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए हमारा ग्रोथ वापस रिकवर किया, बिकॉज पॉलिसी रेपो रेट, जो ये रेपो रेट है, इसको बहुत ज्यादा डिक्लाइन किया गया था, और ये इंडिया ने नहीं किया था, ग्लोबली हर कंट्री ने किया था, तो इसलिए इकोनॉमी में बहुत पैसे आ गए थे। ठीक है, सो दिस इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। अब मान लो अगर इन्फ्लेशन, इसी कि अगर इन्फ्लेशन मान लो आपका 6% या इन्फ्लेशन आपका 9% हो जाए, अब अगर इन्फ्लेशन आपकी 9% हो रही है, तो क्या इन्फ्लेशन टॉलरेंस लेवल से ऊपर गया? और अगर इन्फ्लेशन टॉलरेंस लेवल से ऊपर गया, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के ऊपर एक प्रॉब्लम आ गया है? बिकॉज उसको सबसे पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। सो नाउ द एमपीसी नॉट फोकसेस ऑन जीडीपी, नाउ एमपीसी वॉन्ट्स टू ब्रिंग दिस बिलो 6%। तो एमपीसी का काम ही वही है, काम नहीं कर पा रहे तो फेल हो गए अपने काम से। तो इसलिए नाउ द एमपीसी पुट्स ऑल इट्स एनर्जी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बिलो 6%। तब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी? पैसा लेना महंगा कर देगी। आपको ईएमआई 5 पे था, अब आपको ईएमआई 10 पे मिलेगा। आप अपने फोन का प्लान कैंसिल कर दो, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री का प्लान कैंसिल कर देगा, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज द रेपो रेट। अब बैंक्स को पैसा लेना आरबीआई से और ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो बैंक्स भी आपसे ज्यादा चार्ज करेंगी। सो दिस इज हाउ मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेट्स। आइदर इट कैन इंक्रीज द रेपो रेट, आइदर इट कैन डिक्रीज द रेपो रेट। इट डिपेंड्स अपॉन इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी इन्फ्लेशन एंड द सेकेंड प्रायोरिटी ग्रोथ। तो जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तब वो जीडीपी पे फोकस करती है, लेकिन जैसे इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, देन इट कैन गो टू थिंक अबाउट जीडीपी। तो इससे देखो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही आप 6% से कम करने के लिए ट्राई करते हो, तो आप क्या करोगे? रेपो रेट को इंक्रीज कर दोगे। अब रेपो रेट को इंक्रीज करोगे तो इसका एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम यह देखने को मिलेगा कि जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाने का सोच रहा था, लेकिन अब आपने इंटरेस्ट रेट महंगा कर दिया है, तो वो बोला इतना महंगा तो इंटरेस्ट रेट हम दे नहीं सकते, हमारा प्रॉफिट क्या होगा अगर हम इतना ईएमआई देते रहेंगे, लोन का इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो उस केस में द इंडस्ट्रियलिस्ट कैंसिल द प्लान ऑफ बिल्डिंग न्यू इंडस्ट्री। तो इससे एक प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही रेपो रेट हाइक होता है, ऑल्दो माय इन्फ्लेशन कम्स अंडर कंट्रोल, माय जीडीपी सफर्स, राइट?
my GDP suffers. GDP पे इंपैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि GDP क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब नए फैक्ट्री का आना, ग्रोथ का मतलब लोगों का ज्यादा डिमांड करना, लेकिन लोग अब डिमांड करेंगे नहीं बिकॉज बहुत महंगा हो गया पैसा लेना, तो लोग बोलेंगे चलो ठीक है अभी कुछ साल वेट करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर हम खरीदेंगे। आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ ये होता है, तो यही हो रहा था, ठीक है। सो दिस इज हाउ द होल फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स। तो फिस्कल पॉलिसी का फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेट है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्लियर है फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? इन्फ्लेशन। सेकंड प्रायोरिटी क्या है? ग्रोथ। लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है ये ज्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस होता है, इसका मोर फोकस होता है ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? जीडीपी ज्यादा अच्छा हो। मॉनेटरी पॉलिसी क्या कमिटी चाहती है? इन्फ्लेशन कंट्रोल पर है। सो ये दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। सो कोई भी प्रॉब्लम जब भी इकॉनमी में आती है, सो ग्लोबली गवर्नमेंट्स और बैंक्स इन दोनों के पास यही दो टूल्स होते हैं कि इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। सो गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी को एडजस्ट करती है कि ग्रोथ को कैसे इंक्रीज करें, तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करना चाहती है क्राइसिस के समय, बिकॉज गवर्नमेंट का सबसे प्रायोरिटी क्या होता है? ग्रोथ, ठीक है। लेकिन अगर आरबीआई को लगता है कि उस ग्रोथ से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई उस एक्स्ट्रा पैसे को मार्केट से खींच लेती है, ठीक है। सो इसको इस तरीके से आपको समझना है, क्योंकि अभी आगे जाके हम लोग यही पढ़ेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? इट इज द पॉलिसी बाय विच गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ मच मनी इट हैज टू टेक एंड हाउ मच मनी इट हैज टू स्पेंड। सो बेसिकली इट इज अबाउट हाउ मच गवर्नमेंट इंटेंड्स टू स्पेंड। क्या गवर्नमेंट को ज्यादा स्पेंड करना है, क्या गवर्नमेंट को कम स्पेंड करना है। What is the focus? GDP. Let's come to monetary policy. Who decides? Monetary policy committee. What is the target? Inflation. 2 to 6%. If the inflation is under control, then it thinks about GDP. So during the time of crisis, generally every government adopts or central bank, any economy adopts these kind of two policies. Okay. Now let's come back to our PDF. So ab yahan pe dekho kya tha. Pehle samjho. Backed by massive fiscal stimuli and accommodative monetary policy undertaken since 2020. But since 2020, every government was trying to put more money into the economy, so expansionary fiscal policy. Every central bank was reducing the repo rate, accommodative monetary policy. Because inflation to tha nahi us samay, log demand kar hi nahi rahe the. So isiliye dono cheez से पैसे डाले जा रहे थे। गवर्नमेंट भी पैसा डाल रही थी, आरबीआई भी आपको लोन लेना सस्ता कर दिया था, तो इसकी वजह से इकॉनमी में काफी ज्यादा पैसा आया, ग्रोथ बढ़ा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब इतना पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर तो आएगा। पहले लोगों के पास 100 रुपए था, अब सब लोगों के पास 500 रुपए है, तो अब सब लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर आ ही रहा था, आया नहीं था, आ रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, 2022 में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो जो वही कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन इन पॉलिसी की वजह से इंक्रीज हो ही रहा था, इट गॉट स्ट्रेंथेंड बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपका एनर्जी प्राइस, तेल महंगा हो गया, फर्टिलाइजर महंगा हो गया, तो इन्फ्लेशन के ऊपर जो प्रेशर आ ही रहा था, नाउ इट गॉट पम्प्ड अप। अब इन्फ्लेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर हमें यहां पे देखने को मिला। सो दिस स्ट्रेंथन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। विच इन्फ्लेशनरी प्रेशर? क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस थिंग आफ्टर द पैंडेमिक, और उसको एक फर्दर पुश मिल गया बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। ये देखो आप इन्फ्लेशन देख रहे हो, हर एक कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एडवांस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जस्ट सी यूएस। यूएस का इन्फ्लेशन देखो अभी लगभग आपका 10% के लगभग है, अभी इट हैज कम टू डिक्लाइन। सिमिलरली आप देखो इंडिया में या इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में, ये देखो हर कंट्री का इन्फ्लेशन लगभग आपको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। सो इन्फ्लेशन बढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज 2022 में देखने को मिला, क्योंकि ये वो जो इन्फ्लेशन पैंडेमिक के बाद बढ़ना स्टार्ट हो ही रहा था, और जब कॉन्फ्लिक्ट आया तो उसने तो इन्फ्लेशन को एक नए लेवल पे लेके गया। तो अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, पहले क्या था, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पैसा डालो, आज उसी की वजह से प्रॉब्लम हो गया कि इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो गया, तो
2022 में सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या था कि इन्फ्लेशन रोको, ग्रोथ बढ़ाओ स्लोगन से इन्फ्लेशन घटाओ पे हम लोग आ चुके हैं। सो इन्फ्लेशन घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको अपने इंटरेस्ट रेट रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। आप पहले रेपो रेट को घटा रहे थे तो आरबीआई क्या करेगी, अपने रेपो रेट को बढ़ाएगी, आप तो बढ़ा रही थी। और सेकंड क्या करेगी गवर्नमेंट, फिस्कल पुश जो दे रही थी, ज्यादा ज्यादा पैसे डाल रही थी, अब कम डालेगी, ठीक है। सो वही चीज हो रहा था जो अब होगा, ठीक है। सो लेड बाय, सो ग्लोबली राइट, सो ग्लोबली इन्फ्लेशन वॉज इंक्रीजिंग। सो ग्लोबली एवरी बैंक, यूएस फेड का मतलब यूएस फेडरल रिजर्व, यूएस की सेंट्रल बैंक, banks have, central banks have been hiking the policy rate, मतलब increasing the repo rate and rolling back the liquidity, मतलब वही पैसा liquidity को economy से हटाना। This is known as contractionary monetary policy। हमने देखा था एक accommodative monetary policy होता है, जब पैसा repo rate घटा के पैसा डालना। अब क्योंकि inflation बढ़ गया है, आप repo rate बढ़ा रहे हो, आपको liquidity suck करना है economy से, so आप क्या adopt कर रहे हो, अब contractionary monetary policy, ठीक है। The pace of this tightening cycle has been rapid, बहुत तेज रेट से इसको टाइटन किया गया। आप देखो ये है यूएस का फेडरल रिजर्व का रेपो, मतलब रेपो रेट मान लो, वहां पर रेपो रेट नहीं कहते, वहां कुछ और रेट कहते हैं, बट हमें मानना है उसी तरीके से। देखो तो क्या हुआ था, देखो पैंडेमिक आया, तो जब पैंडेमिक आया तो रेपो रेट घटा, रेपो रेट घटेगा सही बात है, पैसा आपको ज्यादा चीप वे में देना है तो आपने रेपो रेट घटा दिया, उसके बाद आप रेपो रेट को यहीं पे रखें। लेकिन अब क्या हुआ यहां पे, फरवरी 2022 के लगभग इस समय क्या हो रहा है, यहां पे वॉर आ गया है और साथ ही साथ आपने पैंडेमिक के समय खूब पैसे छाप के डाल दिए, तो अब लोग डिमांड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि लोग पैंडेमिक के समय खर्च तो किए नहीं, तो लोगों के पास कुछ ना कुछ सेविंग्स था और आपने फ्री में पैसे भी बांटे तो वो भी लोगों के पास सेविंग था, तो अब लोग डिमांड करना स्टार्ट हुए। इसी को हम लोग कहते हैं पेंट अप डिमांड। अब आके जाके देखोगे pent up demand is only those demand which we didn't demanded the pandemic ke samay we were staying in the home, we wanted to go to a shop to buy a phone, we cancelled the plan, we thought that after the pandemic we will go and buy, so all those demands were accumulated and once the lockdown ended, once the economy was opening up, all those demands started to happen, so isi ko kehte pent up demand। to uski wajah se inflation ke upar ek pressure aa hi raha tha ki then came the war, aur war ki wajah se inflation aur tez rate se bhaga, इसीलिए जो रेपो रेट है उसको कॉन्स्टेंटली देख रहे हो आप, इंक्रीज किया जा रहा है। ये यूएस का बात कर रहे हैं हम लोग, यूएस फेड, यूएस सेंट्रल बैंक ने क्या किया, ग्लोबली हर एक बैंक ने, आरबीआई ने भी यही किया, तो यूएस ने भी यही किया, ठीक है। तो अब इसका इंपैक्ट क्या होगा ये समझो, ये प्रीलिम्स के लिए आपको आता है ये, अगर यूएस ने फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो क्या होगा। So all those informations, all those logic you should understand, because then only you will be able to answer your question in prelims. So let us see now. ठीक है, so ये हमने बात किया, देखो US Fed has raised the interest rate by 425 basis points, 100 basis points is equal to 1%. तो 425 मतलब 4.25%, मतलब इतना 4.25%, तो पहले अगर interest rate था 2%, तो अब 2% प्लस 4.25%, मतलब 6.25% इंटरेस्ट हो गया, महंगा हो गया सिंस मार्च 2022, ठीक है। नाउ अब इसका इंपैक्ट क्या होगा ये समझो, व्हाट विल बी द इंपैक्ट, ठीक है। तो एक एक करके जो सर्वे कहा है अपने पॉइंट्स को वो हम लोग समझते हैं, आप सर्वे में नोट्स में मिल जाएगा आपको सारे पॉइंट्स, पर पहले समझो यहां पे क्या है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट व्हाट हैपेंस when US Fed, that is the US Central Bank, raises its interest rate, ठीक है, what happens when US Fed increases its interest rate, ठीक है। तो let us take a example, पहले क्या था, ये मान लो आपका US है और ये मान लो आपका इंडिया है, ठीक है। तो यूएस में आपको इंटरेस्ट रेट था पहले मान लो 4% और इंडिया में था आपका इंटरेस्ट रेट 6%, मतलब अगर आप यूएस के किसी बैंक पे जाके पैसा जमा करोगे तो आपको 4% का ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, एंड इफ यू गो टू इंडिया एंड इफ यू गेट योर मनी डिपॉजिटेड इन इंडिया
यू विल गेट अ मनी और इंटरेस्ट ऑफ 6%, तो आपके लिए सही है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट, तो जनरली डेवलपिंग कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, ठीक है जनरली। बट पैंडमिक के समय क्या हुआ, हमने देखा यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और बहुत तेज रेट से बढ़ाया, तो 4% हो गया मान लो 8%, इट इज जस्ट अ एग्जांपल, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है ये। तो यूएस का पहला इंटरेस्ट रेट था 4%, अब बढ़ के हो गया कितना 8%, मतलब 8% लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट, वो दोनों लगभग सेम ही होता है। तो अब अगर आप यूएस में किसी बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपको मिलेगा 8%, और इंडिया में भी रेपो रेट बढ़ा, इंडिया में भी 6% बढ़ा, लेकिन इंडिया में जो बढ़ने का रेट था वो उतना ज्यादा तेज रेट से नहीं था जितना यूएस, बिकॉज यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था। बिकॉज यूएस पता है, आपको पता होगा कि पूरे पैंडेमिक के समय, क्योंकि यूएस एक बहुत एडवांस्ड इकोनॉमी है, दे डोंट हैव द प्रॉब्लम ऑफ मनी, सो दे प्रिंटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स जितना इंडिया, तो इतना जितना आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक पैकेज था इंडिया का, इंडिया ने भी बहुत सारे मनी को डाला था इकोनॉमी में पैंडेमिक के समय, लेकिन जितना यूएस ने डाला था वो बहुत ज्यादा डाला था, इसलिए यूएस में जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू इंडिया। इसलिए यूएस गवर्नमेंट, यूएस सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट को हाइक किया वो काफी ज्यादा तेज से किया एज कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, लेकिन मान लो इंडिया में होके ये हुआ 7.5%, ठीक है। सो दीज आर द न्यू इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब आप जाके, क्योंकि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो पूरे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने रेपो रेट को हाइक कर रहे हैं, लेकिन यूएस में क्योंकि बहुत तेज रेट से इन्फ्लेशन बढ़ा, तो यूएस ने अपने रेपो रेट को हाइक किया तेज रेट से एज कंपेयर टू इंडिया, सो इंडिया ने भी हाइक करके इसको 7.5% इंटरेस्ट हाइक किया। नाउ जस्ट इमेजिन, सपोज यू आर अ इन्वेस्टर, ठीक है, आप एक इन्वेस्टर हो, आपको अपना पैसा, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप कहां इन्वेस्ट करोगे? पहले आपने मान लो इंडिया में इन्वेस्ट करके रखा था, बिकॉज इंडिया में आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, तो आप इंडिया में पैसा जमा करोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि यूएस में उस समय 4% मिल रहा था। बट अब क्या हुआ है, समय बदल चुका है, नाउ यूएस इज पेइंग यू 8% एंड इंडिया इज ओनली पेइंग यू 7.5%। तो जनरली क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। जब भी यूएस में, क्योंकि यूएस क्या है, सबसे एडवांस्ड इकॉनमी है, US is considered as the one of the country where your investment is the most safe. आपका सबसे safe form में अगर आपको invest करना है तो आपको US में invest करो, because the probability that US economy will collapse is much more lower than the probability of any other economies collapsing. इसलिए generally कोई भी investor prefer करता है कि हम अपने पैसे को America में invest करें, ठीक है। लेकिन क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती है तो बहुत सारे लोग यहां पैसा डालते हैं, ठीक है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो थोड़ा रिस्क उठा लेते हैं वो, चलो ठीक है ऐसी कंट्रीज कोलैप्स करेगी बट स्टिल इंटरेस्ट भी तो हमें ज्यादा मिल रहा है। बट जनरली एनी इन्वेस्टर प्रेफर्स इन्वेस्टिंग इन अमेरिका बिकॉज दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड नाउ, बिकॉज द यूएस फेड हैज इंक्रीज द रेट, So, ये जितनी, इसी को हम लोग कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनके पास अपना पैसा होता है, ये दुनिया में इधर उधर भागते रहते हैं, कहां इन्वेस्ट करना है, तो पहले कुछ इंडिया में इन्वेस्ट किए हुए होंगे, मान लो बांग्लादेश में कुछ इन्वेस्ट किए हुए होंगे, फिर आपके ब्राजील में कुछ इन्वेस्ट किए होंगे, बट नाउ जब भी यूएस द बेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट, नाउ इट हैज इंक्रीज इट्स रेपो रेट टू 8%, तो ये सारा पैसा जितना भी इंडिया में इन्वेस्ट किए थे, बांग्लादेश में इन्वेस्ट किए थे, ब्राजील में इन्वेस्ट किए थे, ये सारा पैसा कहां ले जाएंगे अब, यूएस में, ठीक है। ऑल दोज मनीज विच दे हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड, सारा पैसा निकाल के वो कहां आ जाएंगे अब, यूएस में इन्वेस्ट करने, बिकॉज यूएस में उनको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, दे आर वेरी हैप्पी, एक तो बेस्ट कंट्री, सेफेस्ट कंट्री, और ठीक ठाक उनको इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। तो जब भी यूएस फेड अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करती है तो यही प्रॉब्लम आता है डेवलपिंग कंट्रीज के पास, ये जो एफपीआई है, ये जो पैसा इधर उधर भेजते रहते हैं, अब ये सारा पैसा निकाल के यहां से यहां चल जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि अगर यूएस फेड अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करती है तो प्रॉब्लम क्या होता है। एक प्रॉब्लम समझ लिया आपने कि ऑल दोज मनी विच वर इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट, इन द बॉन्ड मार्केट, जो भी मार्केट में, वो सारा पैसा निकाल के वो यहां पे ले जाएंगे। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये हम लोग को समझना है। दिस इज वेयर द क्वेश्चन विल कम, कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी।
सर्वे ने इसको यही डिस्कस किया है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट इंपैक्ट. द फर्स्ट इंपैक्ट, व्हाट हैपेंस टू द bond yield bond yield पे आपका क्या इंपैक्ट पड़ता है. तो बॉन्ड ईल्ड क्या होता है पहले समझो. व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा पेपर होता है बॉन्ड विच इज यूज टू रेज मनी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिलायंस, और रिलायंस को लगता है कि हमें पैसा चाहिए, तो रिलायंस या तो जाके बैंक से पैसा मांग सकता है कि आप मुझे पैसा दे दो, या तो इस तरीके के वो बॉन्ड्स इश्यू कर सकता है. दीज आर द बॉन्ड्स, दीज आर नथिंग बट डेट इंस्ट्रूमेंट्स. इसमें ये होता है कि चलो ठीक है, आप मुझे 100 रुपए दे दो, आपको हम एक साल के बाद 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ₹110 दे देंगे. तो सपोज आई एम देयर, मैं 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया और मैं कहा कि चलो ठीक है 100 रुपए का आप मुझे बॉन्ड दे दो, तो रिलायंस ने क्या करा, 100 रुपए का बॉन्ड आपको बेच दिया. आप एक साल के बाद आओ इस बॉन्ड को दिखलाओ तो रिलायंस आपको कितना दे देगी, 110 रुपए. आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपए. प्रॉफिट कितना हुआ आपका, ₹10. इसको हम लोग कहते हैं कूपन रेट, इसी को हम लोग कहते हैं कूपन रेट. तो बहुत सारे लोग बाहर से आके ऐसे बॉन्ड्स को खरीदते हैं, बाहर से बहुत सारे लोग आके ऐसे बॉन्ड को खरीदते हैं. लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब यूएस ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है. तो कोई बेवकूफ होगा वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा, बोलेगा यार यूएस में तो इतना मिल रहा है, तो चलो बॉन्ड को बेच देते हैं. तो एक साल के पहले ही मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे पास बॉन्ड था, मैं 5 महीना हो गया था मुझे बॉन्ड रखे हुए, मुझे तो एक साल के बाद 110 रुपए मिलेगा. बट मान लो मैं 5 महीने में डिसाइड करता हूं कि यार छोड़ो इस बॉन्ड को, लेट अस गो टू यूएस एंड इन्वेस्ट, तो मैं क्या करूंगा, बॉन्ड को बेचना स्टार्ट करूंगा. तो आई विल सेल द बॉन्ड, आई विल सेल द बॉन्ड बिकॉज आई हैव गॉट अ बेटर वे टू इन्वेस्ट. आई विल गो टू द यूएस मार्केट एंड इन्वेस्ट. सो आई विल सेल द बॉन्ड बिफोर 1 ईयर ओनली, बिफोर 1 ईयर. तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो लगातार बॉन्ड को बेचना शुरू कर देंगे. तो इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ द बॉन्ड बढ़ जाएगा क्या, सप्लाई ऑफ द बॉन्ड बढ़ जाएगा. ठीक है, तो सप्लाई अगर बढ़ता है तो क्या प्राइस घटता है, प्राइस घटता है. तो बॉन्ड का पहले प्राइस कितना था, 100 रुपए. ठीक है, आपने क्या किया, मेरे पास 100 रुपए का बॉन्ड था, मैंने बोला यार तुम 95 रुपीज में खरीद लो मुझसे, तो मैंने इसी बॉन्ड को 95 रुपीज में बेच दिया. ठीक है, सो सप्लाई ऑफ द बॉन्ड, उससे क्या होगा, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल गो डाउन, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल गो डाउन. मैं अपना बॉन्ड को बेच दिया, सप्लाई बढ़ा तो प्राइस घटेगा. अगर प्राइस घटेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन हैज बॉट द बॉन्ड, इस आदमी ने ये बॉन्ड को खरीद लिया, इसने कितने में खरीदा, 95 रुपीज में, बिकॉज सप्लाई ज्यादा है, बॉन्ड की उतनी वैल्यू है नहीं, तो सस्ते में बिकेगा. तो 95 रुपीज में इस आदमी ने बॉन्ड को खरीद लिया. ठीक है, अब बॉन्ड इसके पास कितने में आया, 95 रुपीज में. लेकिन अब ये बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड का इनिशियल प्राइस तो अभी भी 100 रुपए है, बिकॉज ये रिलायंस ने इसको बॉन्ड को इश्यू किया है, लेकिन हम लकी थे कि हमको 95 रुपीज में बॉन्ड मिल गया. तो एक साल के बाद हमें कितना मिलेगा, आफ्टर 1 ईयर हाउ मच आई विल गेट, वो तो जो ऑलरेडी डिसाइडेड है. रिलायंस को क्या काम है, रिलायंस इस बॉन्ड को इश्यू कर दिया है, अब एक साल के बाद जो भी उस बॉन्ड को लेके आ जाए रिलायंस के पास, उसको 110 रुपए मिलना है. तो अभी भी इसको मिलेगा कितना, ₹110 ही मिलेगा, बिकॉज दिस बॉन्ड इज अ फिक्स थिंग. ये तो सेकेंडरी मार्केट में आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, तो मैंने मुंह जुबानी उसको 95 में खरीदा, बट बॉन्ड अभी भी वही है. सो दैट इन्वेस्टर टुक अ लॉस ऑफ 5 रुपीज, क्योंकि उसको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल चुका था, तो वो चला गया, किसी कारण की वजह से वो बेच दिया. आई वॉज लकी, आई गॉट द बॉन्ड एट 95 रुपीज. तो अब मुझे एक साल के बाद, बिकॉज रिलायंस इज कमिटेड टू पे 110 टू एनी पर्सन हु हैज द बॉन्ड, तो अभी मुझे कितना मिलेगा, 110. सो हाउ मच इंटरेस्ट आई गॉट, आई गॉट 15 रुपए का, सो 15%. सो दिस इज नोन एज ईल्ड, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड ईल्ड. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड कूपन रेट एंड बॉन्ड ईल्ड. बॉन्ड कूपन रेट इज डिसाइडेड बाई द कंपनी,
And bond yield is decided by the market force. That is decided by the supply and demand. So this is decided in the, इसी को कहते हैं primary market. For example, पहली बार bond मैंने खरीदा, अब उसके बाद मैंने उसको किसी को बेच दिया, तो that is happening in secondary market. तो secondary market, जहां पे दो लोग आपस में मिलकर transact कर रहे हैं, not the companies transacting now, उसको हम लोग, तो yield is decided over there. So bond yield बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. ठीक है, तो हुआ क्या, आप देखो सारे लोग ने बॉन्ड को बेच दिया. ठीक है, तो सारे लोग ने बॉन्ड को बेच दिया, तो बॉन्ड का यील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. बॉन्ड का यील्ड आपका बढ़ जाएगा. तो यही सेम चीज हुआ गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ भी, यही सेम चीज हुआ गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ भी. गवर्नमेंट पैसा कैसे उठाती है मार्केट से, बाय इशूइंग ऑफ द बॉन्ड्स. तो ऐसे ही बॉन्ड्स को इशू करके गवर्नमेंट पैसा उठाती है. ठीक है, तो गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी क्या हो गया, यील्ड बढ़ गया. ठीक है, बिकॉज अब लोगों ने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को भी बेच दिया और चले गए यूएस में. तो जैसे ही यील्ड बढ़ता है तो पता प्रॉब्लम क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग टू द गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. द कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज अगर आपका यील्ड पहले था, कूपन रेट कितना था हमने देखा लास्ट केस में 10%, अब यील्ड कितना हो गया 15%. तो अब लोगों को 15% का जब यील्ड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो अब अगर गवर्नमेंट को नया बॉन्ड इश्यू करना पड़ेगा टू रेज एक्स्ट्रा मनी, तो गवर्नमेंट को 15% से ज्यादा देना पड़ेगा, तभी तो कोई आदमी इस बॉन्ड के बदला आपके बॉन्ड को इन्वेस्ट करेगा. राइट, सो अब जब भी यील्ड रेट बढ़ता है तो जो नए बॉन्ड्स इशू होते हैं उसमें जो कूपन रेट रखना पड़ेगा इससे ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी लोग आपके बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे. नहीं तो अगर आप मान लो मैंने कल को एक बॉन्ड इशू कर दिया, उसका कूपन रेट मैंने 12% रखा, तो कोई मेरे बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करेगा, उसको ऑलरेडी पुराने वाले बॉन्ड से 15% तो रिटर्न मिल ही रहा है. तो अगर मुझे अपने नए बॉन्ड को इशू करके पैसा इकट्ठा करना है तो मुझे 18% देना पड़ेगा, 17% देना पड़ेगा, कि भाई तुमको तो पहले 15% मिल रहा था, तुम मेरे बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, 17% अब देंगे. तो इसी की वजह से होता क्या है, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द गवर्नमेंट increases. So this is one of the very very important thing for your prelims, ki whenever the US Fed increases, the bond yield in India increases, and because of that the cost of borrowing also increases. Theek hai, to ye pehla outcome aapka iski wajah se dekhne ko mila. Now comes the second thing. To pehla ho gaya bond yield pe kya impact padega. Now comes the second thing. Ab maan lo kya hoga, ये लोग पैसा निकाल के यहां जाना चाह रहे हैं, तो ये इंडिया में इन्वेस्ट किस फॉर्म में किए होंगे, रुपीस के फॉर्म में. मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने 100 रुपए इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा था, आई हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीस, नाउ आई वांट टू गो बैक टू द यूएस, आई वांट टू इन्वेस्ट देयर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द बैंक एंड आई विल से कि भाई 100 रुपए रख लो और मुझे मेरा डॉलर दे दो. सपोज $1 इज इक्वल टू 50 रुपीस, तो मैं अपना 100 रुपए देके $2 ले लूंगा, SBI में जाऊंगा, बोलूंगा मुझे मेरा डॉलर दे दो, आप 100 रुपए रख लो, मुझे अपना डॉलर दे दो, क्योंकि मुझे अब जाना है यूएस में. तो इसकी वजह से क्या डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज हर एक इन्वेस्टर्स आके बोलेगा ये लो रुपीज रखो, मुझे मेरा डॉलर देते रहो, मुझे मेरा डॉलर दो, मुझे मेरा डॉलर दो. सो एवरी इन्वेस्टर विल स्टार्ट टू आस्क फॉर डॉलर बिकॉज दे वॉन्ट टू गो टू द यूएस. सो द डिमांड ऑफ डॉलर विल इंक्रीज, एंड वेन द डिमांड ऑफ डॉलर विल इंक्रीज द रूपी विल डेप्रिशिएट. सो द रूपी विल depreciate, rupee will depreciate. तो पहले $1 is equal to 50 था, $1 is equal to 55 हो जाएगा, because the demand of dollar increases. So whenever the US Fed increases, demand of the dollar also increases. And the third impact is because of rupee depreciation, the current account deficit. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे what is current account deficit. अभी बस आप इसको यहां पे समरी के तौर पे समझो, बिकॉज इट्स अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी विल डिस्कस इट इन अ सेपरेट मैनर. सो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ अदर रीजंस ऑल्सो, बट वन ऑफ द रीजन इज कि जब रूपी डेप्रिशिएट करती है तो आपका जो करेंसी डेप्रिशिएट करता है तो आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज करती है. ठीक है, सो दीज आर द थ्री थिंग्स. और एक और चीज, चौथा चीज क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा.
जैसे आपकी रुपी डिप्रिशिएट कर रही है, लेट अस टेक अ एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू इन इकोनॉमी एवरीथिंग नथिंग यू हैव टू रिमेंबर, एवरीथिंग यू कैन डीकंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग द राइट लॉजिक। जैसे हमने देखा किस तरीके से बॉन्ड डील का लॉजिक लगाया, वी गॉट द आंसर। देखते इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट, चलो लॉजिक से समझते हैं इसको, व्हाट विल हैपन। पहले मान लो आई वॉज इंपोर्टिंग 100 liters ऑफ तेल, आई वॉज इंपोर्टिंग 100 liter ऑफ ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया। तो आपको पता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डॉलर में होते हैं। सपोज $1 इज इक्वल टू 50 rupees एंड 1 liter इज इक्वल टू $1। 1 liter कच्चे तेल का दाम $1 है, तो इंडिया को कितना देना पड़ेगा उस केस में? 100 लीटर को इंपोर्ट करने के लिए हमें $100 देना पड़ेगा, हमें $100 देना पड़ेगा। $100 का मतलब $100 को मल्टीप्लाई कर दो 50 रुपए से, सो आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो क्योंकि हमने देखा किस तरीके से करेंसी डिप्रिशिएट करता है जब लोग बाहर पैसा ले जाते हैं, सो नाउ $1 इज इक्वल टू 60 rupees, ठीक है। $1 इज इक्वल टू 60 rupees, ठीक है। तो अभी भी वही हो गया वन। अब हमें कितना खर्च करना पड़ेगा? पहले इंडिया को खर्च करना पड़ता $100, तो $100 का मतलब कितना हुआ? 5000 रुपए। $1 इज इक्वल टू 50 rupees, तो पहले 5000 रुपए खर्च करके हम तेल मंगा सकते थे। अब हमारा करेंसी क्या हो गया? डिप्रिशिएट कर गया। $1 इज इक्वल टू 60 rupees, तो अब इंडिया को कितना खर्च करना पड़ेगा? अगेन द $100 ओनली, बट $100 अब कितना हो जाएगा? 6000। अगेन $100, बट नाउ $1 इज इक्वल टू कितना? 60 इज इक्वल टू 6000 rupees, ठीक है। तो क्या हुआ इंडिया के लिए? अब इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, बिकॉज अब 5000 रुपए था पहले तेल का दाम, अब 6000 हो गया है, ठीक है। तो जब भी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो आपका इंपोर्ट महंगा हो जाता है। सो व्हेनेवर द करेंसी डेप्रिशिएट्स, कोई भी चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो, सो द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट गोज अप। ठीक है, लेकिन अब देखो एक्सपोर्ट पे क्या होगा? जब इंपोर्ट करना महंगा हो गया तो एक्सपोर्ट पे क्या होगा? आसान, देखो तो ये पहले क्लियर है कि व्हेनेवर द करेंसी डेप्रिशिएट्स The cost of import goes up. तो import का cost हमें महंगा हो जाता है। लेकिन इसी का उल्टा होता है, the cost of export goes down. तो import करना मुश्किल हो जाता है जब currency depreciate करती है, लेकिन export करना आसान हो जाता है। ये क्यों? देखो example. पहले मान लो हम $100 का सामान export कर रहा था इंडिया। मान लो इंडिया पहले, मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसको भूल जाओ इसे, मान लो दिस पर्सन lives in US and this person lives in India, ठीक है। इस आदमी के पास फॉर एग्जाम्पल अभी $1 इज इक्वल टू 50 rupees है, ठीक है। दिस पर्सन हैज सपोज दिस पर्सन हैज $100, इसके पास $100 है और इसको ये पेन खरीदता है, ये पेन इंडिया बनाती है। सपोज वन पेन इज इक्वल टू 50 rupees, वन पेन इज इक्वल टू 50 rupees। सपोज इसके पास $100 है, इसको 50 rupees है, तो ये आएगा इंडिया में, ये अपने $100 को कन्वर्ट कर देगा, तो कितना हो जाएगा? $100 इंटू 5, तो 50 इंटू 100, इतना रुपीज हो गया। तो वो कितने पेन खरीद सकता है? डिवाइडेड बाय 50, है ना। ये आदमी $100 लेके इंडिया में आया, तो $1 कितना मिलेगा उसको? 50 रुपया, तो टोटल कितना रुपए हो गया? 5000। और एक पेन का दाम कितना है? 50 रुपए, तो टोटल हाउ मच पेन ही कैन बाई नाउ? 100 pens, ठीक है। लेकिन अब मान लो करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, $1 इज इक्वल टू 100 rupees, लेट अस सी एग्जांपल ले रहे हैं। अब करेंसी आपकी डेप्रिशिएट कर गई, तो अब वो इंडिया में आएगा तो उसको कितना मिलेगा? $100 लेके आएगा, $1 इक्वल टू 100, तो 100, और पेन का दाम कितना है? 50, तो नाउ ही कैन बाय 200 pens। पहले वो 100 ही पेन खरीद रहा था, अब हमारा 200 पेन खरीद देगा, तो क्या इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा? तब दिस पर्सन विल कम टू इंडिया, बिकॉज उसके लिए इंडिया फायदेमंद है, अब उसी पैसे से वो 200 पेन खरीद रहा है। सो व्हेनेवर द करेंसी डेप्रिशिएट्स द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट गोज अप, इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, तेल वेल का इंपोर्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ जाता है,
ठीक है, तो ये हमने देखा यहां पे क्यू, ठीक है। सो ये कुछ सर्वे ने आपके बात किया है, राइट। सो ये देखो, सो जब यूएस फेड ने इंक्रीज किया, सो इट ड्रोव द कैपिटल फ्लोज इनटू सेफ हेवन यूएस मार्केट। सेकंड, दिस लेड टू राइजिंग सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स रिजल्टिंग इन हायर बोरोइंग कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। सही बात है। Also, it led to the depreciation of most currencies, सारे currency, because सारे country से लोग पैसा निकाल के US पे जा रहे हैं, because US ने बहुत steep way में अपने interest rate को hike किया है। So this has led to the widening of CAD, current account deficit, and increasing inflationary pressures in the net importing economies. Net importing मतलब जैसे इंडिया क्या है, ज्यादा import करती है जितना हम export करते हैं, so those are known as net importing economies. Rising inflation and monetary tightening has led to a slowdown in crude oil output. ये एक अगर problem, ये third problem है। तो पहला pandemic, second Europe conflict, और third उसकी वजह से inflation का बढ़ना, और inflation के बढ़ने के रोकने के लिए monetary policy और fiscal policy को tighten करना, तो उससे क्या होगा, impact किस पे आएगा, आपका growth पे आएगा। So slowdown in the growth output because of all the things, right? So अब आप आ जाओ इसमें, ठीक है। ये देखो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, ये भी ग्राफ सर्वे ने दिखलाया किस तरीके से। देखो इंडिया में, देखो इंडिया का ये वाला है आपका, ठीक है, इंडिया का आपका ये वाला ग्राफ है। तो देखो ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उससे महंगा हो जाएगा हमें सामान, ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल इंक्रीज, अप हमने देखा। और ये देखो ग्रोथ प्रोजेक्शंस, सो ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखो सारे कंट्री का 2023 में कम है एज कंपेयर टू 2022। आप देखो वर्ल्ड का एवरेज ग्रोथ प्रोजेक्शन था 2022 में 3.2%, बट जस्ट सी इन 2023 इट हैज कम डाउन टू 2.7%। देखो यूएस का 1.6 से 1, यूके का 3.6 से 0.3। क्यों हो रहा है ये चीज? बिकॉज ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग, फिस्कल टाइटनिंग। क्यों करना पड़ रहा है टाइटन? इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। नाउ और इसके अलावा तो ये तो कुछ हो ही रहते हैं रशिया यूक्रेन, और कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी हैं जो सर्वे ने कहा। अदर शॉकर्स, अदर शॉकर्स में पहला क्या है, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। आपको पता है हर कंट्री में अब नेशनलिज्म बढ़ रहा है, इंडिया में आत्मनिर्भर भारत, यूएस में मेक इन अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट। तो हर कंट्री में नेशनलिज्म बढ़ रहा है, तो एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रेड। तो ग्लोबलाइजेशन के जो गोल्डन एरा थे वो खत्म हो रहे हैं। सेकेंड, चाइना में भी आपको पता है काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाए गए Because of its zero COVID policy, तो चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अगर उस पर कुछ होता है तो ग्लोबल स्पिल ओवर इफेक्ट आएंगे आएंगे, तो वही हुआ, ठीक है। एंड थर्ड, there's also social impact because of all these things. वो कह रहा है एजुकेशन और लोगों की जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है वो भी डिक्लाइन की है, तो लॉन्ग टर्म में इसको भी तो अकाउंट करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, इफ 100 चिल्ड्रन वर स्टडिंग बट बिकॉज ऑफ द कोविड उनके फैमिली का इनकम खत्म हो गया, अब केवल 80 लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो 20 लोग तो पढ़ नहीं रहे, तो उनकी वजह से फ्यूचर में क्या होगा, आपकी इकॉनमी लॉस करेगी। तो इफ यू अकाउंट दिस थिंग ऑल्सो टू योर इकॉनमी, देन आपकी इकॉनमी और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की है, देन व्हाट इज मेजर्ड नाउ। सो दीज आर द अदर शॉकर्स, ठीक है। देन इट कंक्लूड्स इन इंट्रोडक्शन, वो कंक्लूड करता है वर्ल्ड इकॉनमी के ऊपर क्या कंक्लूजन देता है। तो अब देखो, इन द डेवलप्ड वर्ल्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर अबेटिंग बट दे आर स्टिल ऑन हायर साइड। कि अब इन्फ्लेशन जो 2022 में, तो 2020 में देखो कोविड आया, 2021 में हमारा ग्रोथ रिकवर किया, 2022 में लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया, इन्फ्लेशन पूरे साल तक बढ़ा। अब 2023 में हम लोग एंटर किए हैं, अब इन्फ्लेशन पूरे ग्लोबल लेवल पे कंट्रोल हो चुका है लगभग। तो अब इन्फ्लेशन जो एक बहुत आगे बढ़ गया था, नाउ इन्फ्लेशन आर अबेटिंग बट दे आर स्टिल ऑन हायर साइड। जैसे अभी भी इंडिया में इन्फ्लेशन 6% के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो 2 से 6 होना चाहिए बट 6 में रिवॉल्व कर रहा है, 5.8, 5.9, मतलब अभी भी अपर लिमिट पे है, ठीक है, बट स्टिल इट इज ऑन डिक्लाइन। मेजर सेंट्रल बैंक्स हैव रिड्यूस्ड द पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हाइक। तो ग्लोबली हर एक कंट्री, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, तो जो इंटरेस्ट रेट, जो रेपो रेट का हाइक था, उसमें भी अब काफी ज्यादा स्लो डाउन आया है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट डेटा एंड लोअर इन्फ्लेशन फॉर दिसंबर हैव रेज्ड द होप ऑफ यूएस इकॉनमी। तो यूएस इकॉनमी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इकॉनमी है, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट डेटा वहां पे ठीक है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। और सिमिलरली यूरोप में, बिकॉज यूरोप में आपको पता है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये लगा था कि यूरोप में एक एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा, बिकॉज यूरोप हैज पुट सैंक्शंस एंड नाउ इट इज नॉट टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम रशिया, बट यूरोप पे उतना ठंडा नहीं पड़ा इस दिसंबर में।
यूएस में लगभग जो यूरोप में जो इतना ठंडा पड़ना चाहिए था ड्यूरिंग द विंटर पीरियड वो उतना हुआ नहीं, इसलिए एनर्जी की क्राइसिस हुई नहीं यूरोप में. सो अगेन इट्स अ गुड पॉइंट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी. हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केलेशन ऑफ वॉर पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक. लेकिन अभी भी आपको पता है कि जैसे विंटर खत्म होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केलेशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज ऑन राइज. सो कल को अगर ये वॉर स्पिल ओवर होता है, कल को मान लो किसी नाटो कंट्री के ऊपर गलती से एक मिसाइल, बिकॉज एनी टाइम वेन एवर द वॉर हैपेंस द चांसेस ऑफ मिसकैलकुलेशंस आर आल्सो हायर. तो कल को कोई गलती से, कोई चूक से, कोई बेवकूफी से किसी भी एक मिसाइल किसी भी नाटो मेंबर कंट्री पे चला गया, या यूक्रेन से किसी तरह की गलती और रशिया के कैपिटल में कोई अटैक हो गया, सो यू नो दैट द चांसेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन, द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्पिलिंग ओवर टू द नाटो कंट्रीज और नाटो और यूएस रशिया की लड़ाई, सो एनीथिंग कैन हैपन. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन 2023 की वॉर के ऊपर किस तरीके से यू नो द वॉर विल स्टॉप. सो आफ्टर दिस द सर्वे टॉक्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू. तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करता है, तो वही वर्ल्ड इकोनॉमी में जो चल रहा था वही इंडियन इकोनॉमी में भी चल रहा था. सो हाउ इंडिया हैज रिस्पॉन्डेड एंड हाउ इंडिया हैज परफॉर्म्ड दोस टाइम्स, लेट अस सी. तो पहला है ये देखो जीडीपी का ग्राफ. तो जीडीपी के ग्राफ में देखो क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी कितनी थी, लगभग 145 लाख करोड़ FY20 में. FY20 का मतलब 2019 टू 2020 में. अब पैंडेमिक आ गया, तो पैंडेमिक में क्या हुआ, इकोनॉमी हमारी कॉन्ट्रैक्ट की, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. पहले 145 था, अब कितना हो गया, लगभग 135 से लेके 130, मतलब 135 लाख करोड़ मान लो. तो 145 से घट गया इकोनॉमी हमारा. बट FY 2022 में, दैट इज 2021-2022 में हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, इट रिकवर्ड ऑल दोस व्हिच वी हैव लॉस्ट. तो जितना हमने लॉस किया था अब सारे को हमने रिकवर कर लिया, ठीक है. सो दैट्स अ गुड थिंग. And come to the next year, 2022 to 2023, our economy is still growing at lagbag 8 to 10%. Okay. So economic growth remains resilient in India. Jo humne economy mein khoya tha, we have recovered from that. Now, to ye sab cheeze ho rahi thi, India ki economy theek thak recover kar rahi thi. We were on a good track. But ab kya hua, war in Europe aaya. To uski wajah se further impact. To war in Europe ki wajah se kya aayega? High inflation, humne dekh chuka. तो देखो इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज्यादा जनवरी में स्टार्ट हो गया. सो जनवरी के बाद हमारा इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा हो गया, अब प्रॉब्लम खड़ा हो गया. उसके पहले 5.5 इसमें था तो ठीक था, 6 से अंदर था, बट 6 से बाहर कब हुआ, जनवरी में. और जनवरी से लगभग लेके नवंबर तक पूरे साल इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा रहा. और ये सबसे बड़ा सर दर्द किसके लिए बनेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, बिकॉज उसी का ये काम है और वो अपने काम में फेल हो रहा है. So that is the problem. So retail inflation, that is the CPI, has crept above the RBI's tolerance range from January 2022 to November 2020. What are the reasons pe kya ho jayega aapka? Rising international commodity price, wahi matlab jo energy price hai usme daam badh gaya aapka. Second, excessive heat and unseasonal sale. To aapko pata hai ki us saal mein जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी था वो भी काफी कम था, बिकॉज ऑफ जो रेनफॉल होना था उसमें काफी ज्यादा ब्रेक आए थे, तो रेनफॉल का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए थे. सो बिकॉज ऑफ दैट द फूड प्रोडक्शन वाज आल्सो नॉट दैट मच, इसलिए हमारा जो प्राइस ऑफ एग्री फूड कमोडिटीज है उनका प्राइस भी बढ़ा था. थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर. हमने देखा किस तरीके से अगर डेप्रिसिएशन होता है तो हमको तेल इंपोर्ट करना बहुत महंगा हो जाता है. So, ये सब चीजों की वजह से इन्फ्लेशन गॉट शॉर्ट अप, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या करेगा, कुछ सोचो. गवर्नमेंट अपने फिस्कल पुश को कट करेगा, आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करेगी, यही सब चीज हो रहा था. तो देखो आरबीआई रेज द रेपो रेट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. गवर्नमेंट कट द एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, तो जो तेल पे टैक्स लग रहा था उसको अपने कम कर दिया, सो दैट प्राइस कम हो जाए. एंड साथ ही साथ रेस्ट्रिक्टेड द एक्सपोर्ट्स, तो एग्रीकल्चर में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो. तो जब आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्यों आप रोक लगा रहे हो, बिकॉज आप चाहते हो कि वो जो प्रोड्यूस्ड फूड ग्रेन है वो आप डोमेस्टिक मार्केट में भेजो, ना कि आप बाहर भेजो, सो दैट प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है. नाउ तो ये देखो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, देखो सीपीआई इन्फ्लेशन किस तरीके से, ये 6% का अपर लिमिट है ना. इस 6% के ये देखो ऊपर चला गया था, कब से गया है देखो, लगभग यहां से फरवरी से ऊपर जाना पड़ा है, जनवरी फरवरी से ये ऊपर जाना स्टार्ट किया है और हमेशा ये 6% के ऊपर ही रहा, लेकिन नाउ बाय दिसंबर इट हैज कम डाउन टू 6%.
So now the inflation, which was above 6% tolerance limit, now it is coming under the control. और देखो रुपी का डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन, सो इंडिया में रुपी का डिप्रिसिएशन कितना हुआ है 8.8%. हर एक कंट्री में डिप्रिसिएशन हुआ है, नॉट ओनली फॉर इंडिया. तो हर एक करेंसी डिप्रिशिएट किया है, बट सर्वे कहता है कि लेकिन जितना इंडिया में डिप्रिसिएशन हुआ है इट इज नॉट दैट मच जितना बाकी कंट्रीज में हुआ है. फॉर एग्जाम्पल देखो साउथ अफ्रीका की करेंसी डिप्रिशिएट किया बाय 16.4%. तो सर्वे कहता है कि इंडिया में उतना नहीं हुआ है जितना बाकी कंट्रीज में हुआ है. So, यही सब ग्राफ सर्वे, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया. तो आप उसको वापस, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वापस से वो जाके वो वीडियो का पार्ट देखो, सो दैट एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट.